यहाँ एक डॉक्टर आए थे लंदन से मुलाकात के लिए आए, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, और ना सिर्फ स्पेशलिस्ट बल्कि जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना उनको वो पढ़ाते थे। तो आप बताओ ये स्पेशलिस्ट में भी सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, यानी जो कैंसर के स्पेशलिस्ट तैयार कर रहा है वो खुद कितना बड़ा स्पेशलिस्ट होगा भाई। पता नहीं क्या यूं थोड़ा सा कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, भाई वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होगा ना। तो वो वैसे ही मुलाकात के लिए आए, अकीदत मोहब्बत में बयान सुनते थे। तो मैंने कहा आपसे तो हमें मालूमात लेनी चाहिए, आप इस फील्ड के माहिर हैं कैंसर के। तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछी कि कैंसर क्यों होता है। ये जो मैं सेहत की बातें मिंबर पे बैठ के बताता हूँ ना, लोग कहते हैं फेंक रहा होता है, तो फेंकता नहीं हूँ मैं। एक तो मुझे इस फील्ड से बचपन से दिलचस्पी है, बचपन में भी कोई हकीम नज़र आया उसको पूरा निचोड़ लिया, कोई किताब नज़र आई तिब के बारे में उसको पूरा पढ़ लिया, कोई डॉक्टर मिला उससे काफ़ी तो ये, और जिस चीज़ का इंसान को ज़ौक शौक होता है तो वैसे ही वो चीज़ें उसको हमेशा के लिए याद रह जाती। फिर अपनी भी ऑब्जर्वेशन होती है कुछ इंसान की, खुद अपना भी तर्जिया होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मिला मुलू के छोटे मोटे हम भी कुछ बन गए हैं। अल्लाह खैर करें, नीम हकीम खतरा जान बने या क्या बने वल्लाहु आलम। तो लेकिन नीम हकीम खतरा जान जब होता है, जब वो ज़्यादा गहराई में जाके आपका इलाज शुरू करते, जो सेहत की बुनियादें उस बुनियादी चीज़ें हैं ना, जैसे नीम मुफ्ती खतरा जान होगा बशर्ते कि वो गहरे मसाइल बताना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो कॉमन सेंस की बातें या जो इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं, पांच नमाजें फ़र्ज हैं, हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है, ये बेसिक चीज़ें बताए, तो फिर वो खतरा जान खतरा ईमान नहीं है, बल्कि ये तो फिर वो तो उसको चाहिए ही बातें बताए लोगों को। क्या ख्याल है, तबलीग वाले छः नंबर तो याद करते हैं ना, वो तो बताते हैं ना, इसलिए कि वो तो बेसिक चीज़ें हैं ना इस्लाम की। तो वो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा कैंसर की आजकल कैंसर ज़्यादातर क्यों हो रहा है, क्या फार्मी मुर्गी खाने से हो रहा है या क्या खाने से हो रहा है ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन जो तज़िया था ना वो सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बताई कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये कि वज़न बढ़ना, आपकी एनर्जी इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही जितनी आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं, यानी खा इतना रहे हैं जितना वो खाया हुआ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है कैंसर के बारे में मालूमात फराहम करना, भाई खा लोग ज़्यादा रहे हैं और वो आपकी एनर्जी यूटिलाइज कम हो रही, एक्सरसाइज उस हिसाब से है नहीं, तो या तो खुराक कम कर दो या एक्सरसाइज बढ़ा दो, एक बेसिक वजह ये। तो मैंने कहा हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जिनकी खुराक कम है एक्सरसाइज ज़्यादा, उनको भी कैंसर हो जाता है। उन्होंने कहा कैंसर की एक वजह यह भी है कि कोई वजह नहीं है, वैसे ही हो जाता है। नहीं आ रही बात, जिसकी कोई वजह, वो कहीं हवा में ही कोई जरसूमा चला जाता है इंसान। तो उन्होंने कहा कि ये उमूमी तौर पर जो हो रहा है वो उसकी वजह मैंने बयान की है, लेकिन बसा औकात कोई वजह नहीं होती, यानी वजह तो होती है लेकिन डॉक्टर को पता नहीं होता, वो ट्रेस ही नहीं हो पाती है। वो कोई जरासीम ऐसा चला गया, कोई हवा से ऐसी कोई चीज़ आ गई, आपके सांस की नाली के जरिए चली गई, कुछ भी हो गया, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, लेकिन वो हो जाता है। और इस ये किस्म ऐसी है जिससे बचना मुमकिन, बोलो भाई, नहीं है। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना। तो मुझे उससे ये नहीं कि इबरत हासिल हुई कि देखो वही कैंसर, वो तो भाई कैंसर नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, मरेंगे तो ना। लेकिन मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना महफूज बनाया ही नहीं है कि वो फंटरगिरी कर सके। क्या ख्याल है, अल्लाह ने ये चीज़ें क्यों रखी हैं कि ठीक है कुछ तो तुम एहतियात करो भाई, इससे भी हो रहा है इससे भी हो रहा है, ये चीज़ें छोड़ दो तो कैंसर के चांसेस कम होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ख़त्म नहीं होंगे। शुगर के चांसेस ये करो, शुगर के चांसेस कम हो जाएंगे, शुगर का चांस ख़त्म। हमने ऐसे लोग देखे हैं बड़ा सेहत का ख्याल किया कि शुगर ना हो, उनको शुगर ही हुई है। मेरे वालिद साहब ने एक वाकया सुनाया, नेवी में थे वालिद साहब, तो नेवी में एक हार्ट स्पेशलिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट को पढ़ाते थे, वही देखो हम छोटी चीज़ रखते ही नहीं है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो इतने बड़े स्पेशलिस्ट कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग देते थे। तो वालिद साहब कह रहे हैं कि वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो डायग्राम बना के वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट का भी बाप है वो डॉक्टर उनको बता रहा था कि हार्ट अटैक कैसे होता है,
وہ تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہی ہوگا, لیکن اور کوئی زیادہ گہرائی میں جا کے کہ کیا کیا وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. این پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر کو ہارٹ اٹیک ہوا, اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا, یہ قدرتی حادثہ جو ہوا, ہم نہیں کہتے کہ اللہ, ہو سکتا ہے بھائی ویسے ہی اللہ کی, بھائی مرنا تو ہے نا, چاہے اٹیک, اگر کوئی نہ اٹیک ہو نہ شوگر ہو نہ کینسر ہو تو مرے گا کیسے پھر, کیا خیال ہے؟ مرنا تو ہے نا بھائی, گاڑی بھی احتیاط سے چلا رہے ہو تم, ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونے دے رہے اپنا, نہ تم ایکسیڈنٹ ہونے دے رہے ہو, صحت اتنی اچھی رکھی ہوئی ہے, کوئی جراثیم تمہیں حملہ ہی نہیں کر کے دے رہے, اور جناب ویٹ بھی تم نے مینٹین رکھا ہوا ہے, اور ٹینشن بھی نہیں لے رہے, کیا خیال ہے؟ ایک بھی نہیں کی بھی تم نے, تو ٹینشن ہی نہیں ہے تمہیں کوئی, نہ سالوں کی ٹینشن, نہ سانس کی ٹینشن, کوئی کسی قسم کی ٹینشن فری زندگی تمہاری گزر رہی ہے. تو اب موت کا فرشتہ بولے گا کہ میں, مجھے کس بات کی اللہ کمیشن دیتا ہے بھائی, میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگیں؟ تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے, لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر, کوئی اور مار کے چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بہرحال